वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के हम प्रैक्टिस सेटअप लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले सामान्य ज्ञान के दोस्तों ने वीडियो देखे, और इस पर वीडियो में हम कम से कम 35 प्रश्न जो है सामान्य विज्ञान के देखने वाले हैं, क्योंकि जो सामान्य विज्ञान के जो काफ़ी वेटेज रहने वाली, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। आप पूरा वीडियो इसे ध्यान से देखें और अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा जो है H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो जो H1N1 जो इन्फ्लुएंजा है, इसे किस नाम जाना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होगा। तो इसका जो सही प्रचलित रूप है वो है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर बी। जो इन्फ्लुएंजा H1N1 जो है, उसे स्वाइन फ्लू के रूप में सामान्य भाषा में हम जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है, तो यानी कि दूध को दही बनाने में कौन सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो लैक्टोबैसिलस होता है, दूध को दही बनाने में सहायक होता है कौन, लैक्टोबैसिलस। और बात करें कि दूध की शुद्धता किसे मापी जाती है, तो जो लैक्टोमीटर होता है, इसी से हम दूध की शुद्धता भी मापते हैं। और दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है, इसके जनक कौन थे, तो दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा जाता है, लुई पाश्चर जो है, उन्हें दूध के पाश्चुरीकरण का जनक माना जाता है। तो आप यहाँ से 3 प्रश्न याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं आपको बताना है। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक एक प्रकार के दवाएँ होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक जो होती हैं ये दवाएँ होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक जो जो होता है हमारा प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डियर कटिन जो होता है, कहाँ से प्राप्त होता है। एजार्डियर कटिन जो कि प्राकृतिक कीटनाशक, कहाँ से प्राप्त होता है, सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है नीम से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त है, नीम से प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है एक तम्बाकू आई, तो तम्बाकू से एक प्रश्न बनता है कि ऐसे ही याद आता है कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर स्थित है। प्रश्न पूछा गया है कि जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र भारत में है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक स्थान पर तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों, आप कोई भी प्रश्न कहीं से भी जोड़ के याद कर सकते हैं, तो जरूर याद करिए, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन को रिलेट करके याद कर पाते हैं, उससे आप जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, आप लोगों ने सही आंसर भी दिया था। तो जो भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के जन्मदाता है, वो M.S. Swaminathan है। कौन है, M.S. Swaminathan, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि श्वेत क्रांति का भारत में जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है, और हरित क्रांति के जनक M.S. Swaminathan। दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पूरे विश्व में यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो जो ग्लोबल लेवल पर जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। आपको नाम याद रखना है, जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और भारत में M.S. Swaminathan को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, यानी कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से जो कौन सी ऐसी बीमारी है जिस पर काबू पा लिया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा TB है, जिसे ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, इस पर नियंत्रण पा लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 57वां प्रश्न, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो जो चेचक का वैक्सीन है, सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। जो चेचक का वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। और बात करें कि लुई पाश्चर की, तो लुई पाश्चर ने टीबी का, जी हाँ, लुई पाश्चर ने टीबी का जो है वैक्सीन तैयार किया था, लुई पाश्चर ने, और चेचक का डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। तो आपको दोनों यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है, 58वां, आलू क्या है। 58वां प्रश्न जो हमारा है, आलू क्या है, तो आलू हमारा तना है, क्या है आलू हमारा, तो दोस्तों वनस्पति के रूप में जो आलू है, एक तना है। आलू के उत्पादन की बात करें तो रूस और चीन के बाद पूरे विश्व में भारत का तीसरा स्थान है आलू के उत्पादन में। और भारत में बात करें तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, और आलू क्या है, एक तना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है, यानी कि किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा DDT है, ये वायु प्रदूषक नहीं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सभी जो है वायु प्रदूषक हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा कि वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है। तो आनुवंशिकता के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर डी, जो मेंडल हैं, इन्हें आनुवंशिकता का जन्मदाता माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 61वां प्रश्न है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वॉटसन और क्रिक को। दोस्तों, जी हाँ, वॉटसन और क्रिक को 1962 में DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए
नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है करेक्ट हो जाएगा। बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्हें रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल के बारे में जानकारी दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो जो हमारा कीट भक्षी पौधा इनमें से कौन सा है, 62वां प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ड्रोसम है, ऑप्शन नंबर बी ड्रोसम एक कीट भक्षी पौधा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 63वां प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है किसमें से, इन तीनों में से, चारों में से निकोटीन किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी तंबाकू में। और मैंने अभी आपको बताया जो तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के बीज से जो होता है कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो बीज से होता है वो कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है कथन किसका है? 65वां प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? तो इस कथन का सत्यापन किया था ओपेरिन ने, किसने? ओपेरिन ने, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो लुई पाश्चर है इन्हें पाश्चरीकरण का जनक माना जाता है, और जो टीबी का टीका है इसका खोज किसने किया था, लुई पाश्चर ने। और रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने, तो दोनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 66वां प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, पृथ्वी पर, हवा में, जल में, या किसी अन्य ग्रह पर? तो जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी जल में, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, जल में। अगला प्रश्न हमारा है, दुम्मटी लोम यानी कि दुम्मटी जो होता है मिट्टी में, मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, दुम्मटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के कण मिलते हैं इसमें, यानी कि बालू कण, चिकना कण और पासू कण, सभी कण इसमें मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलुई मिट्टी में। जो पौधों को सबसे अधिक पानी बलुई मिट्टी में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो बलुई मिट्टी होती है ये सभी पानी सोख लेती है, सभी पानी सोख लेती है तो उसको ज़्यादा पानी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 17वां प्रश्न है, किस मिट्टी में जो केसिका यानी कैपिलरीज होती है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें कैपिलरीज जो होती है यानी कि केसिका सबसे अधिक प्रभावी होती है। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है यानी कि जो मिनरल्स होते हैं क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं? तो जो खनिज होते हैं वो अकार्बनिक ठोस होते हैं, क्या होते हैं? अकार्बनिक ठोस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे 71 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो जो NaCl यानी कि साधारण नमक होता है जिसे हम खाने का नमक कहते हैं, किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, तो ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने का नमक बनता है। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में जो उगते हैं उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर सी, उन्हें हेलोफाइट कहते, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो जो संवहनी पौधे होते हैं उसमें पानी किससे ऊपर जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम टिश्यू जो होते हैं इनके माध्यम से संवहनी पौधों में पानी नीचे से ऊपर तक जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 76वां प्रश्न हमारा है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो पर्ड यानी कि लीव्स यानी कि पत्ते जो होते हैं वह फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रायो होता है वो किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो भ्रूण होते हैं वो बीज में मिलते हैं यानी कि सीड्स में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसे होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो सहज प्रणाली का परिवर्धन है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया होती है। कौन सी प्रणाली की जो स्वपोषी क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 80वां प्रश्न हमारा है, जेनेटिक्स से निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जो जेनेटिक्स होता है हमारा किसका अध्ययन है? तो इसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। किसका? आनुवंशिकता और विचरण का। तो ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81वां हमारा प्रश्न है, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है?
तो जो मेंडल की अनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी वो लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर? लैंगिक जनन पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है वह जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है और जीन के सम्मिश्रण से होता है, यानी कि ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न का। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में जी का शब्द, जी शब्द के लिए कौन सा अर्थ होगा? तो जो 2G स्पेक्ट्रम है तो जी का यहाँ पर अर्थ है जनरेशन, यानी कि सेकेंड जनरेशन हमारा है, यानी कि 2G स्पेक्ट्रम मतलब यहाँ पर जी क्या है, जी का मतलब है जनरेशन। तो दोस्तों साइंस के कम से कम आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं, आपको लगातार वीडियो दी जा रही है क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा आपको दोस्तों हिंदी की वीडियो भी दी जाएगी और हिंदी वीडियो दी जा रही है। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।